जेल में बंद बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध कारोबार और गैंग के सदस्यों के खिलाफ मऊ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में कई थानों की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसी क्रम में पुलिस ने शहर के बीचों बीच 20 साल से चल रहे अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी कर उसे बंद करा दिया है। मौके से पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन पर गैंगस्टर के साथ अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं मामले में फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर पशुओं की अवैध कटान और अवैध बूचड़खानों पर ये कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस टीम ने दबिश वाहन चेकिंग के दौरान गैंग लीडर शकील अहमद, अखलाक अहमद, जावेद अख्तर, अब्दुल रहमान, अजमल कुरैशी को गिरफ्तार किया है। अंसारी गैंग जो कि इंटरस्टेट 191 गैंग के नाम से पंजीकृत है, इसके संरक्षण में जनपद में एक अवैध बूचड़खाना लगभग 2 दशकों से चल रहा था, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 800 किलो लगभग मांस मौके से बरामद किया गया था। काफ़ी मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। इसी में आज 8 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत करके उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 फरार अभियुक्त, उनके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही फरार अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। स्वाट टीम को उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। किसी भी प्रकार से अवैध कटान जनपद में किसी भी कंडीशन में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इनको अवैध कटान माफिया के रूप में भी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनको चिन्हीकरण के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई। ये नगर क्षेत्र में जो मऊ नगर क्षेत्र में एक नगर पालिका का पुराना ही बिल्डिंग थी, उसी में संचालित हो रहा था। शहर के बिल्कुल ठीक बीच के एरिया में संचालित हो रहा था। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ महीने पहले नगर क्षेत्र के बीचों बीच 20 सालों से अवैध रूप से नगर पालिका के जर्जर भवन में संचालित अवैध बूचड़खाने पर भारी फोर्स के साथ दबिश देकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही 2 दर्जन जानवर और 800 किलो मांस को बरामद किया गया था। ये अवैध बूचड़खाना मुख्तार अंसारी के गुर्गों की शह पर शहर के बीचों बीच पिछले 2 दशकों से लगातार संचालित हो रहा था। बता दें कि सदर विधानसभा के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंतर्राज्यीय आपराधिक गैंग IS-19-1 और IS-16-B के संरक्षण में 2 दशकों से अवैध बूचड़खाना जनपद में संचालित हो रहा है। जनपद पुलिस ने इस पर शिकंजा कस दिया है। फिलहाल 5 तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।